चार राज्यों की विधानसभा चूंटनी परिणामों आ गया है, परंतु सब कोई नहीं नजर आती दिल्ली विधानसभा चूंटनी पर, कारण के दिल्ली में त्रिपाखीय जंग हतो, कौन कौन पत्तू कापे छे तेनी पर बधानी मीट बंडायेली हती। जेम जेम परिणामों जाहिर थता गया तेम तेम आप पार्टी नु झाड़ू कांग्रेस पर फरतू जोवा मळ्यो। परिणामों ने अंते केजरीवाल हीरो बनी ने उभरी आव्या। केजरीवाल ने आटली मोटी सफलता मळशे तेनी कोई कल्पना पण नहोती करी। शीला दीक्षित सरकार सामे पड़ेला अरविंद केजरीवाल ने केम मोटी सफलता मळी ते मुद्दाओ पर नजर करिए तो अरविंद केजरीवाल शीला सरकार ना भ्रष्टाचार ने मुद्दो बनाव्यो। તેમણે દેશને લોકપાલ બિલ પાસ કરાવવાનું વચન આપ્યું। વીજળીનું બિલ ઘટાડવાના મુદ્દે તેઓએ સરકાર સામે મસ મોટું આંદોલન છેડ્યું। મહિલાઓની સલામતી અને સુરક્ષાનું વચન તેમણે આપ્યું। ઉપરાંત ક્લીન ઇમેજ અને યુવા ચહેરો હોવાને કારણે પણ તેઓએ મહત્વની આ સફળતા હાંસલ કરી। તો પોતાના ચેલા અરવિંદ કેજરીવાલની જીત પર અન્ના હજારેએ પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું કે કેજરીવાલની જીતથી હું ખુશ છું। उसको लिए तो मैं धन्यवाद करूंगा कि एक जीरो से उसने ये लड़ाई लड़ी, लेकिन हम लोग जो सोच रहे थे वो कहाँ तक पूरा होगा वो शंका है। लोकतंत्र देश में लाना, अभी अरविंद बहुमत से नहीं आया, किसी ना किसी का सहारा लेना पड़ेगा। तो लोकतंत्र के लिए लोगों का, लोगों ने लोक सहभाग से चला हुआ तंत्र वो कैसे आएगा? अगर वो बहुमत से आता तो वो अपना था, वो अपना कानून बना लेता। जैसे उसने अरविंद ने बताया था कि हम जनलोकपाल लाएंगे, जनलोकपाल राज्यसभा विधानसभा में नहीं आता, लोकसभा में आता, लेकिन अच्छा लोक आयुक्त तो लाएंगे। 16 अगस्त 1968 ना रोज हरियाणा ना शिवानी गांव में जन्मेला अरविंद केजरीवाल इनकम टैक्स कमिश्नर ने प्रतिष्ठा भरी नौकरी छोड़ी ने जन लोकपाल बिल नी मांग साथे अन्ना हजारे ना आंदोलन में जोड़ाया था, जो कि राजकीय पार्टी की स्थापना ना मुद्दे अन्ना हजारे साथे मतभेद था। केजरीवाले सक्रिय राजकारण में झंपलावानो निर्धार लीधो अने 24 नवंबर 2012 ना रोज आम आदमी पार्टी की स्थापना करी। पार्टी की स्थापना ना थोड़ा समय में शीला दीक्षित जेवा दिग्गज नेता ने हरावी ने केजरीवाले साबित करी दीधुं छे कि नवी दिल्ली ना मतदाताओं दिल जीतवामां ते सफल निवड्या। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश न्यूज़।